Hello students, welcome back. So today we are going to discuss the MCQs based on software and its types. All right, so चलिए start करते हैं बिना time waste करे हुए. So the first question is word processing, spreadsheet, photo editing. ये किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर नन ऑफ दीज? तो आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम अपनी पुरानी स्लाइड में, पुरानी वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो वहाँ जा के देख लें. यहाँ मैंने आपको टर्म बता दी है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म विच इज़ यूज फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करे गए होते हैं. ऑल राइट, तो ये जर्नली एक प्रोग्राम है या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि यूज़र एंड यूजर्स के द्वारा यूज़ होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज सॉफ्ट कॉपी इज द इनटेंजिबल आउटपुट. हमने सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था. तो सॉफ्ट कॉपी एक इनटेंजिबल आउटपुट है, तो ये हार्ड कॉपी क्या है? तो आंसर इज द प्रिंटेड आउटपुट. ऑलराइट, हार्ड कॉपी इज द प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर. तो ये जो मैंने ब्लू में टिक करा हुआ है, ब्लू में लिखा हुआ है, ये हैं आपके राइट आंसर्स. थर्ड क्वेश्चन इज एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेजेस इज. अब ये जो दो चार क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट फाइव क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टीयर टू में आए हुए थे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के पार्ट से. ठीक है, तो इसमें मेरे को दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रही थी, एक तो MS Paint और एक कॉरल ड्रॉ. कॉरल ड्रो जो है वो भी वही काम करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो एडिट करता है और ड्रॉ करता है. इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट ये एक वाइडर उस पर काम करता है कॉरल ड्रो. MS Paint में हम छोटी मोटी चीज़ें ही जो है हम कर सकते हैं क्रिएट, बट कॉरल ड्रो में हम अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो आंसर इसलिए मैंने कॉरल ड्रो लगाया है. कॉरल ड्रो इज़ अ वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय, अगर पूछ लें तो, एल्यूडो, फॉर्मली कॉरल कॉर्पोरेशन. इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ कॉरल ग्राफिक सूट विच इंक्लूड्स बिटमैप इमेज एडिटर, कॉरल फोटो पेंट, एज वेल एज अदर ग्राफिक रिलेटेड प्रोग्राम्स. तो ये सब आप पढ़ लेना, आगे चलते हैं. फोटो ये मेरे ख्याल से मैंने रिपीट कर दिया है. तो फिर आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन पढ़ लो. ये एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है एंड यूज़र्स के लिए बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट. सोल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ टू एड यूज़र इन डूइंग स्पेसिफाइड टास्क. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन. हमने पढ़ा था डिस्क डीफ्रेगमेंटर के बारे में. क्या करता है वो? जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको रीअरेंज करता है, अननेसेसरी फाइल्स को हटा देता है, कैश को डिलीट वो कर देता है ना. तो यहाँ पर मैंने डीफ्रेगमेंटर जो होता है वो उसकी डेफिनेशन लिखी है. ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज एक्सेस स्पीड. जो आपकी स्पीड कम हो जाती है तो आप क्या करते हो, फाइल्स को रीअरेंज करते हो, है ना, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हो, कैशे हटा देते हो. तो ये वही करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर. क्या करता है? आपकी जो प्रोसेसिंग होती है ना सीपीयू की, उसको बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है. ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर देखना डीफ्रेगमेंटर टूल्स मैंने कुछ कुछ बताए, जैसे स्मार्ट डीफ्रैग, ओ एंड ओ डीफ्रैग फ्री एडिशन, वाइज केयर 365, विंडोज इनबिल्ट इन डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क स्पीड अप, अल्ट्रा डीफ्रैग एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये आपको याद करने हैं. ठीक है, देन वी
अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज कॉल्ड अ, ये तो बहुत ही बेसिक्स हमने जो अभी पढ़ा वीडियो आपकी देखी होगी सॉफ्टवेयर वाली, तो उसमें सेकंड पेज पे ही है, प्रोग्राम कहते हैं उसे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अलाउज द यूज़र टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट द डिवाइस, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेल्प्स कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज, या इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर को हेल्प करता है इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड मैनेज इट रिसोर्सेज, पढ़ लिया था हमने, सच एज मेमोरी प्रोसेसर्स एंड डिवाइसेस। ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखता है और टेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट डेवलपर या फिर प्रोग्रामर? तो उसको आप बोलोगे प्रोग्रामर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होते वो, जो लिखते हैं प्रोग्राम्स को टेस्ट करते हैं वो प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं, ठीक है। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट्स, कौन है जो कंप्यूटर को बताता है कि वो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उनके बीच में इंटरेक्शन कराता है? तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होती है आपकी? मॉड्यूल, MODULE। विच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सोल ऑफ योर कंप्यूटर, बताओ सोल ऑफ योर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आपको मुझे इसमें बताना है, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया था कि ये कौन सा होता है आपका, तो ये आप मुझे बताना कि इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर का, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का सब पार्ट है जो सोल ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। विच इज़ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब मुझे बताओ, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर है, बैकअप है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे के सारे ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अब आते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? कस्टम सॉफ्टवेयर, नीश सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर आएगा ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव। तो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर इज़ एम्ड एट एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ एनी गिवन बिजनेस विद इन अ डिसर्नेबल वर्टिकल मार्केट, मतलब कोई स्पेसिफिक मार्केट के लिए ही वो बना होता है, कोई स्पेसिफिक मार्केट इंडस्ट्री की डिमांड को मीट करने के लिए ही वो वर्टिकल सॉफ्टवेयर बना होता है। वहीं उसको ऑपोजिट जो है वो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर होता है, ये जो है वो वाइड एरे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूज़ करने का होता है। जैसे हमने जर्नल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर पढ़े थे ना, ये वही है। तो जो जर्नल पर्पस है ना वो तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और जो स्पेसिफिक हैं टेलर मेड बोलते हैं जिनको, वो वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हो गया, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप फॉर एंड कस्टमाइज टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री नीड्स। तो ये हमने पढ़ लिया है, और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क पड़ लिया है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस, जो सॉफ्टवेयर ट्रायल बेसिस पे अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हो आप? ओपन सोर्स, नैगवेयर, मैलवेयर, शेयरवेयर या ओपन सोर्स, बताइए? तो आंसर इज शेयरवेयर, ठीक है। अब शेयरवेयर का यहाँ पर साथ में मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये ऐसा टाइप, शेयरवेयर एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का टाइप है, ठीक है। दैट इज़ इनिशियली शेयर्ड बाय द ओनर फॉर ट्रायल यूज़ एट लिटिल और नो कॉस्ट, मतलब या तो ये लिटिल या फिर बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं लगती उस पर, इसलिए शेयर किया गया होता है, ठीक है, आपके डेवलपर के द्वारा, ओनर के द्वारा। ऑफन द सॉफ्टवेयर हैज़ लिमिटेड फंक्शनैलिटी, या तो जब वो सॉफ्टवेयर दे रहा है तो उसमें प्रॉपर फंक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी। अनटिल कब तक? जब तक जो यूज़र है वो पूरी पेमेंट नहीं कर देता डेवलपर को, ठीक है। तो ये होता है आपका शेयरवेयर।
शेयरवेयर इज ऑफन ऑफर्ड एज डाउनलोड फ्रॉम अ वेबसाइट. शेयरवेयर डिफर्स फ्रॉम फ्रीवेयर विच इज फुली फीचर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो कॉस्ट टू द यूज़र बट विदाउट सोर्स कोड. फ्रीवेयर जो है वो भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है यूज़र्स को, बट उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है. पर शेयरवेयर में क्या है, कुछ उनकी फंक्शनैलिटीज़ आप नहीं यूज़ कर पाते जब तक कि आप यूज़र को पैसे नहीं दे पाते दे देते. और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन विच सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू इंस्पेक्ट एंड ऑल्टर. ओपन सोर्स में क्या है, सोर्स कोड भी प्रोवाइड होता है तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो और उसको अपग्रेड भी कर सकते हो. चलिए आगे चलते हैं. एंड्रॉयड क्या है, एप्लीकेशन है, इंटरफेस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. डैश सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन फाइल्स एंड डाटा. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पूरी मिरर इमेज क्रिएट कर देता है, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर देता है आपकी हार्ड डिस्क को भी, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, एप्लीकेशन फाइल, जो चीज़ें हैं आपके लैपटॉप पे सब चीज़ों को कॉपी कर लेता है, तो वो है आपका ड्राइवर इमेजिंग, ठीक है. ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ड्राइवर इमेजिंग. तो इसमें क्या है, आपके जो एग्जांपल्स है वो है जिंस्टॉल, आईओमेल, बैकअपर, एक्रोनिस, साइबर प्रोटेक्ट, मैक्रियम, रिफ्लेक्ट, ये सारे के सारे आपको देख लेने हैं. ये क्या हैं आपके, ये हैं आपके ड्राइवर इमेज सॉफ्टवेयर, ठीक है. मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टुडे कम विद एन इंटरफेस कॉल्ड, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आजकल आ रहे हैं वो एक इंटरफेस के साथ आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. फिर है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड. मतलब हम जो लिखते हैं ना प्रोग्राम्स, लिखते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, लेकिन ह्यूमन जो होता है ना उसको रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, मतलब जिस लैंग्वेज में हम उस कोड को लिख रहे हैं उसको तो बोलते हैं सोर्स कोड, और जिस कोड को कन्वर्ट करता है, क्या कौन कन्वर्ट करता है ये मुझे बताना, जिस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपका कन्वर्टर, कौन सा कन्वर्टर, किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में. ऑब्जेक्ट कोड किसको समझ में आता है, आपकी मशीन या फिर कंप्यूटर को. सॉफ्टवेयर दैट मेक्स पॉपअप्स एंड ट्राइज यूज़र टू बाय अ प्रोडक्ट सर्विस एट्सेट्रा. जो आपके पॉपअप्स आते हैं ना जिसमें कहते हैं ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ये सर्विस अवेल कर लो, तो उन सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता है आपके नैगवेयर, ठीक है. अब मालवेयर जो होते हैं ना, मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ मालवेयर क्या है आपके, वायरस, एडवेयर, ट्रोजन, रूट किट्स एक्सेट्रा, ठीक है. एग्रीमेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर यूज़र इज कॉल्ड. जो सॉफ्टवेयर बना रहा है और जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं EULA. EULA की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट. फिर है आपका एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को ए के एक्सटेंशन को क्या बोलते हो, .bak, .cdr, .pdf, .txt या .exe. तो सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन को बोला जाता है .exe. exe की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ लें तो आपको याद होनी चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल. अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया तो उस एरर को क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो बग, ठीक है. अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में तो उसको क्या बोलते हो, क्या करते हो आप, उस चेंज को अपडेट करते हो, ठीक है. अपडेट और अपग्रेड में क्या फ़र्क है, एक होता है अपडेट और एक होता है अपग्रेड. अपग्रेड का मतलब होता है पुराने वर्जन को डिलीट करके नया वर्जन इंस्टॉल करना, वो तो हो गया अपग्रेड. और जो अपडेट होता है ना वो पुराने को ही, पुराने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके हम उसको कुछ अच्छी क्वालिटीज़ उसमें डाल देते हैं, तो वो होता है अपडेट, ठीक है. ये दोनों में फ़र्क याद रखना है, ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत करते हैं.
वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, सबसे पहली प्रोग्रामर कौन थी? एडा लवलेस। इम्पॉर्टेंट है, याद करना। इन कंप्यूटर जागरॉन वेटवेयर मीन्स, वेटवेयर का क्या मतलब होता है? वेटवेयर होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।